जार में बंद है खतरनाक हैवान जिसका सिर पिछले 176 साल से एक कांच के जार में रखा गया है। साइंटिस्ट की नजर में वो इतना शातिर था कि शायद ही कोई दुनिया में उसके बराबर तेज हो। साइंटिस्ट जानना चाहते थे आखिर उसका दिमाग कैसे काम करता है। वो था तो एक इंसान लेकिन किसी हैवान से कम नहीं। ये कहानी है दुनिया के एक बेहद खौफनाक सीरियल किलर की जिसके दिमाग पर वैज्ञानिकों ने अपना कब्जा किया, जिसके दिमाग को वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया, जिसका सिर पिछले 176 साल से कांच के जार में रखा गया है। सीरियल किलर डियोगो एल्विस था तो स्पेन का लेकिन उसने पुर्तगाल में ऐसा कहर मचाया था कि आज भी सालों बाद उसका नाम सुनकर पुर्तगाल के लोगों की सांसें थम जाती हैं। डियोगो एल्विस का जन्म 1818 में स्पेन के गैलेसिया शहर में हुआ था। वो बेहद गरीब परिवार से था। पैसों की कमी की वजह से वो छोटी सी उम्र में ही नौकरी की तलाश करने लगा था लेकिन उसे नौकरी कहीं नहीं मिली। नौकरी की तलाश उसे पुर्तगाल से लिस्बन तक ले आई। लंबे समय तक यहाँ वो नौकरी तलाशता रहा लेकिन वहां जाकर भी उसे नौकरी नहीं मिली। पैसों की कमी और जॉब ना होने की वजह से एल्विस ने अपराध का एक ऐसा रास्ता चुना जिसने आगे चलकर उसे हैवान बना दिया। एल्विस को पैसों की जरूरत थी और उसने इसके लिए लोगों को लूटना शुरू किया। वो लोगों को पकड़ता और फिर उनसे उनके पैसे लूट लेता। धीरे धीरे उसे इस काम में मजा आने लगा। उसने अब इस काम को अंजाम देने के लिए और भी खतरनाक रास्ता चुना। एल्विस के निशाने पर होते थे सीधे साधे किसान। अब उसने किसानों का कत्ल करना भी शुरू कर दिया था। दरअसल किसान अपनी खेती का सामान फल सब्जी अनाज बेचने बाजार में जाया करते थे। वे रात को सामान बेचकर वापस लौटते थे और सामान बेचने की वजह से उनके पास पैसे होते थे जिसे एल्विस ने लूटना शुरू किया था। इतना ही नहीं, अब एल्विस पैसा लूटने के बाद किसानों का कत्ल भी कर दिया करता था। एल्विस ने एक पुल को अपने अपराध का अड्डा बनाया था। ये पुल गांव को शहर से जोड़ता था। किसानों को रात में इस पुल से होकर गुजरना पड़ता था। सीरियल किलर एल्विस इस पुल में छुपकर बैठ जाया करता था। जब किसान इधर से गुजरते थे तो वो उनसे पहले पैसे लूटता और बड़ी ही बेरहमी से उनको मौत दे देता था। ये एल्विस का रोज का काम था। नदी से एक के बाद एक किसानों की लाशें मिल रही थी लेकिन कत्ल कौन कर रहा था इस बात का कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। रात के अंधेरे में एल्विस दर्जनों का कत्ल कर चुका था। पुलिस को जितनी भी लाशें मिली उन्हें बेरहमी से पीट कर पुल से नीचे फेंका गया था। यह साफ था कि किसी सीरियल किलर का ही काम है यह। पुलिस ने इस किलर की तलाश तेज कर दी थी और एल्विस यह जान चुका था कि अगर उसने अब कोई भी कत्ल किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। इसके बाद एल्विस ने कुछ समय के लिए हत्या करना बंद कर दिया था ताकि पुलिस शांत हो जाए। इस दौरान एल्विस ने अपना गैंग बनाना शुरू किया। उसने लिस्बन के गरीब लोगों को अपने साथ जोड़ा। थोड़ा समय रुकने के बाद अब और भी प्लान तरीके से लोगों को कत्ल करना शुरू किया गया। वो अपने साथियों के साथ जंगल में छुपा रहता। जंगल में ही उसने अपना ठिकाना बना लिया। रात होते ही अपने शिकार पर हमला करता और वो लोगों के पैसे लूटता, फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर कत्ल करता। कहते हैं इस दौरान रात होते ही लोग इस सीरियल किलर के डर से अपने घरों में छुप जाते थे। लिस्बन में इस सीरियल किलर का इतना खौफ था कि कोई जरूरी काम भी हो तो लोग बाहर निकलने से डरते थे। कई सालों तक एल्विस पुर्तगाल में अपना कहर लाता रहा। पुलिस ने आखिरकार 1941 में जंगल से इस हैवान को गिरफ्तार किया। एल्विस ने खुद कबूल किया कि वो अब तक 77 लोगों को नोच नोच कर मार चुका है। उसने बताया कि उसे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। सालों तक वो यह काम करता रहा लेकिन पुलिस उसका कुछ ना बिगाड़ पाई। कोर्ट ने एल्विस को 77 लोगों के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई। फांसी के बाद वैज्ञानिकों की मांग पर इस सीरियल किलर के सिर को संभाल कर रखा गया। इस बात को 176 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी सीरियल किलर का सिर ज्यों का त्यों रखा है। इसे लिक्विड सॉल्यूशन में डालकर लिस्बन यूनिवर्सिटी में रिसर्च के लिए रखा गया है। दरअसल उस दौरान पुर्तगाल में फ्रोनोलॉजी यानी ब्रेन स्टडी की पढ़ाई का काफी क्रेज था। वैज्ञानिकों का मानना था कि इस खूंखार सीरियल किलर की ब्रेन की स्टडी से कई नई चीजें सामने आई जो कि फ्रोनोलॉजी के छात्रों के लिए मददगार साबित होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और अमेजिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वनीला फैक्ट्स को। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट।